महात्मा गांधी पर क्या भूल गए? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लोगों ने सोशल मीडिया पर लगा दी क्लास। देश में इन दिनों डिग्री को लेकर संशय का दौर चला है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए गए, फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल उठे, और अब इस कड़ी में नाम जुड़ गया है महात्मा गांधी का। जी हां, सही सुना आपने, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि उनके पास लॉ की कोई डिग्री नहीं थी, वे केवल 10वीं पास थे। ऐसा हम नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कह रहे हैं। पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। लगता है कि गांधी जी ने बड़े बड़े काम किए, अब ये सब बताया गया, मैं दोहरा नहीं चाहता हूं। देश को आजादी मिली, क्या क्या किया गांधी जी ने, लेकिन सब कुछ जो हासिल हुआ उसके केंद्र बिंदु में एक ही बात थी, सत्य। और जीवन भर वो सत्य से बंधे रहे और सत्य के अधीन उन्होंने काम किया, आचरण किया। उनके जीवन के हर पहलू को जांचिए आप, इसके अलावा और कुछ नहीं था उनके जीवन में। जितनी चुनौतियां आई, जितनी परीक्षाएं आई, सत्य कभी नहीं त्यागा। और महात्मा गांधी अंतर्ध्वनि को पहचान लिए, परिणाम हुआ कि राष्ट्रपिता हो गए। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद कम लोगों को मालूम है, देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी। गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। अभी मैं बताऊंगा, कुछ लोग मंच पर भी प्रतिकार करेंगे, लेकिन मैं तथ्यों के साथ आगे बात करूंगा। कौन कहेगा कि गांधी जी एजुकेटेड नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे? मुझे नहीं लगता है किसी में साहस है जो ये बात कह सकता है। बट डिड यू नो दैट ही डिड नॉट हैव ए सिंगल यूनिवर्सिटी डिग्री और क्वालिफिकेशन? देर आर मेनी ऑफ अस हु थिंक दैट महात्मा गांधी हैड ए लॉ डिग्री। नो, ही डिड नॉट। हिज ओनली क्वालिफिकेशन वॉज ए हाई स्कूल डिप्लोमा। ही क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस लॉ, ही डिड नॉट हैव ए लॉ डिग्री। ही हैड नो डिग्री। यस, जस्ट लुक एट हाउ एजुकेटेड ही वॉज, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता बने। सो लेट मी ऑल्सो मेक इट क्लियर टू यू दैट डू नॉट ओनली बी इंडल्जिंग इन द फॉर्मल कनेक्शन विद द डिग्री एंड वॉट यू थिंक इज एजुकेशन, केवल डिग्री एजुकेशन। मनोज सिन्हा के इस बयान पर महात्मा गांधी के प्रपुत्र तुषार गांधी ने दैनिक भास्कर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जाहिलों को राज्यपाल बना देंगे तो यही नतीजा होगा। उनके पास लॉ की डिग्री थी, लेकिन इसकी एंट्योर लॉ डिग्री जरूर नहीं थी। आपको बता दें कि 23 मार्च को शहीदी दिवस होता है और इसी दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन भी पड़ता है। इसी मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ग्वालियर के आईटीएम यूनिवर्सिटी में भाषण दिया। पहले उन्होंने लोहिया के बारे में कुछ बातें की और फिर महात्मा गांधी की डिग्री को लेकर बोलने लगे। अब उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन mkgandhi.org के मुताबिक महात्मा गांधी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से 3 सालों में लॉ की डिग्री सफलतापूर्वक पूरी की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।